ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का अंतिम भाग। देखिए धनु राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपकी राशि में कई महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन पदार्पण भी हो रहा है। परिवर्तन तो आपकी राशि के हिसाब से देखें तो बड़े महत्वपूर्ण है। इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो बुध महाराज जो है परिवर्तित होकर आपके ही भाव में आ रहे हैं, आपकी राशि के लग्न में आ रहे हैं। चल रहे थे 12वें भाव में, महत्वाकांक्षा बढ़ा रखी थी और कई प्रकार से आपकी उपेक्षा हो रखी थी और आपने किस प्रकार से सहा हुआ समय को, हमें समय आज समझ में आ रहा है। बहुत सारे समाज में, लोगों में, आपके परिवार में, कई जगह आपके दोस्तों में आपकी थोड़ी उपेक्षा का शिकार आप रहे होंगे, लेकिन अब समय आ गया है सबको दिखाने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं। ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। नवंबर के अंतिम भाग में जो परिवर्तन के योग जा रहे हैं तो ये आपके लिए समय बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आप समझ लें कौन सी तिथि में, कौन से समय में क्या कुछ होने के योग हैं आपके साथ, समझते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्योतिष यही विज्ञान है जो आपको बताता है कि समय आपके साथ क्या खेल खेलने वाला है, और सही समय पर सही चोट जो कर देता है, सही कार्य जो कर लेता है, उसका प्रभाव ही बड़ा विचित्र होता है। तो धनु राशि वालों, सिलसिलेवार तरीके समझें क्या कुछ ग्रहों के योगायोग आपके लिए हैं। नवंबर के अंतिम भाग में शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। लाभ, शुक्र महाराज बड़े कमज़ोर चल रहे थे आपकी राशि में, कन्या में चल रहे थे और कमज़ोर थे, शीर्ण थे, अब वो चले जाएंगे लाभ वाले स्थान में, तो आपके लिए लाभ की बहुत स्थिति प्रबल उचित बनेगी और बहुत सुंदर तरीके से योग बनेंगे। तो समझ लें आपके साथ ग्रह क्या करने वाले हैं। 25 नवंबर को शनिवार का अवसर, साथ साथ त्रयोदशी तिथि और उस दिन बैकुंठ चौदस भी है, साथ साथ भगवान विष्णु का विशेष तौर पे विश्वदेव भगवान का पूजन करने का सुंदर योग बनता है। साथ साथ रवि योग भी विद्यमान है जो करीब करीब 3 बजे से ही बन जाएगा, तो ये कोई नया कार्य, नया प्रोजेक्ट हाथ में लेने के लिए बड़ा सुंदर अवसर बन जाएगा। ऐसे में ग्रह क्या कह रहे हैं, ग्रह कह रहे हैं कि धन आगमन की सूचना दे रहे हैं, तो ये भी आप काम करेंगे उसको सुंदर तरीके से, उसमें लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन जो आपके ग्रहों के हिसाब से देखें तो मंगल इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से आपको अननेसेसरी लोगों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। मंगल शनि का टकराव चल रहा है तो ऐसे में आज जो योग बना हुआ है, शनिवार की हम बात कर रहे हैं, शनि प्रदोष का योग बन रहा है, तो कोशिश है करें इस शुभ तिथि में आने वाले 1.5 महीने तक जो मंगल शनि का टकराव है उसको ठीक करने का प्रयास कर लीजिए। कोशिश है करें हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें इस शुभ में। एक दिन का ये पाठ आपके 1.5 महीने के शनि मंगल के टकराव को ठीक करने का रास्ता बना सकता है, तो इसको अवश्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनि प्रदोष का योग शाम को बन रहा है सुंदर तरीके से, तो इस सबका लाभ लेते हुए भगवान शिव का तेल से अभिषेक करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नहीं तो थोड़े आलस की प्रवृत्ति रह सकती है, हर चीज़ों में डिले, पुरुषार्थ करेंगे नहीं और फिर डिले होंगे तो फिर परेशान भी होंगे, तो ये उपाय कर लीजिए, ये शनि को ठीक करने के लिए अच्छा रहेगा। 26 तारीख को रविवार का अवसर है और साथ साथ चतुर्दशी तिथि है और ये योग आपके लिए राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, और ये सुंदर स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। जो सुबह का समय, दिन का समय तो अच्छा है, लेकिन शाम के समय कुछ ना कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर परेशान कर सकते हैं, थकावट परेशान कर सकती है स्वास्थ्य को। दिन भर भागा दौड़ी जो है वो अपनी शक्ति के अनुसार से करने का प्रयास कीजिएगा, शाम भारी दिखाई देती है। खाना पीना विशेष तौर पे हाइजीन मेंटेन करते हुए करें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, चावल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात कर लेते हैं 27 तारीख की, उस दिन पूर्णिमा का अवसर है, बहुत सुंदर पूर्णिमा है, देव दिवाली है उस दिन। कहा जाता है कि देवता पृथ्वी पर आते हैं और इस दिन को दिवाली को ही असली दिवाली कहा जाता है। इस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा, आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, चीज़ों को आपके लिए आने वाले 1.5 महीने में सबसे सुंदर परिवर्तन आपके लिए होता दिखाई दे रहा है, जो करीब करीब सुबह 5:55 पर हो जाएगा और पूरा आपके आने वाले 20-25 दिनों तक आपके लिए बहुत सुंदर आपकी चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करेगा। तो ऐसे में इस शुभ तिथि का आगमन है तो आप कोशिश करें तीर्थ जल, कार्तिक पूर्णिमा है इस दिन, तो तीर्थ जल से स्नान करके भगवान का पूजन कर देवताओं का आवाहन कर कहा जाता है इस दिन देवता लोग पृथ्वी पर आते हैं तो उनकी ही आगमन के लिए सुंदर तरीके से घरों को सजाया जाता है। अब ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है, लेकिन वास्तविक दिवाली यही है। लोग तो बस परंपरागत तौर पे केवल एक
केवल परंपरा की तरह मना लेते हैं दिवाली। यही दिवाली वास्तविक है, जो जो दिवाली गई है अभी कार्तिक अमावस्या पर, वो तो भगवान राम के आगमन के उत्सव में मनाई जाती है, लेकिन ये देवताओं संपूर्ण देवता लोग आते हैं। पुरानी दिवाली वास्तविक दिवाली यही है। तो सुंदर तरीके से घर को सजाकर सुंदर तरीके से देवताओं समस्त भगवानों का पूजन करें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। और सुंदर तरीके से यही उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और आपके लिए तो एक नई चीज़ का संचार हो रहा है, नई बुद्ध का बदलना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 28 नवंबर को मंगलवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि और मार्गशीर्ष महीना आरंभ हो रहा है, ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। अननेसेसरी की सर्दी जुकाम परेशान कर सकता है, मौसम का परिवर्तन आपको कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है, तो ऐसे में चावल का दान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। 29 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है परिवर्तन के योग। इस दिन मंगल भी शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और खासतौर पर चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, नव शक्ति का संचार करेगा, बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा। तो ऐसे में यदि पूर्ण लाभ चाहते हैं तो कन्या पूजन अवश्य करें। कन्या पूजन कर बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बन सकती है। और ऐसे में यदि आप अपने पिता की सेवा कर पाए, पिता का आशीर्वाद देते हुए कार्य करें तो बहुत सुंदर आएगा। हम जाएंगे अपने पिता तुल्य व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति जो है उनके निमित्त दूध का, विशेष तौर पर यदि घर में पिता है तो उनको अपने हाथ से दूध पिलाएं, या विशेष तौर पर बाहर है तो बुजुर्गों को किसी वृद्धाश्रम में जाकर या बड़े लोगों को गुरुजन को दूध का दान करके आएं। ये सब चीज़ उपाय आपके लिए बड़े श्रेष्ठ कल्याण करने वाले योग बनाने वाली हैं। वहीं 30 तारीख की हम बात करें तो उस दिन तृतीया तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है, और एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान है। सुबह 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 सूर्योदय से लेकर दोपहर के करीब करीब 2:25 तक भद्रा विद्यमान रहेगी, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। दोपहर के बाद 3 से सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा, उस समय नए कार्य करने से आपको लाभ होगा। ग्रह आपके अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, आगे बढ़ने के सुंदर अवसर होगा, नई शक्ति का संचार होगा। कोशिश ये करें इस समय का सदुपयोग करते हुए कार्य करें। आपके ग्रह क्या खेल दिखा रहे हैं वो हमने आपके समक्ष उपस्थित किया, लेकिन इसके साथ साथ इन नवंबर के अंतिम भाग में जो ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, ये संसार में भी थोड़ा सा अनेक प्रकार के प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। बृहस्पति का जो शुक्र के साथ समसप्तक योग बन रहा है, ये धार्मिक उन्माद बढ़ा सकता है, धार्मिक क्लैशेस बढ़ा सकता है, विभिन्न विभिन्न मत के लोग आपस में क्लैश उत्पन्न कर सकते हैं ज़्यादा। इस वक्त इसराइल में और फिलिस्तीन में जो कष्ट चल रहे हैं वो हमने देखे हैं, और ये और बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि धार्मिक उन्माद और ज़्यादा उस क्षेत्र में बढ़ जाए, और भारत में जिस प्रकार से जो इस वक्त सरकारों के परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, जो ग्रह योग दिखा रहे हैं कि मंगल शनि का टकराव, साथ साथ आने वाले पूरे पक्षों में 5 मंगल का योग पड़ रहा है, खासतौर पर महीने में जो मार्गशीर्ष महीना हुआ है इसमें 5 मंगलवार का योग बन रहा है, ये दिखाता है सत्ता परिवर्तन। जो जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं तो कई जगहों में आपको देखने को मिलेगा कि सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बन रहे हैं। जो शेयर बाजार इत्यादि में काम कर रहे हैं उनको सावधान रहना चाहिए कि शनि मंगल का जो टकराव है ये विशेष तौर पर सराफा बाजार में उठापटक लाने के योग बना सकता है, क्योंकि इस पक्ष में विशेष तौर पर कुछ स्थितियाँ बढ़ी हैं और कुछ स्थितियाँ घटी भी हैं, तो ऐसे में भावों का ऊपर नीचे होना खासतौर पर दिखाई दे रहा है। तो सावधान रहते हुए, स्थिति को समझते हुए, ग्रहों के योग को समझते हुए हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके अनुकूल रहेगा। धन्यवाद।